एक गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ, अगर उसमें गोली लगती है तो वो अंदर बैठे आदमी की जान बचाती है। आज के वीडियो में ना तो हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और ना ही हमारे पास कोई बंदूक है। गैमो के जो हेवी पावर नाम का पैलेट है, ये 18.42 ग्रेन का पैलेट है, दैट इज़ 1 ग्राम, एग्जैक्टली 1 ग्राम का पैलेट है ये। एक बार में लोड हो गया, ऑटोमेटिक सेफ्टी मेरी एंगेज हो चुकी है, तो अब इसको चलाते हैं। ज़ेब्रा ऑन योर मार्क, ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है वो डर ना जाए, इसलिए उसका नाम है ज़ेब्रा। तो ये ब्लू कलर का एक्रेलिक कलर है, मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं एक्रेलिक कलर से वहाँ पर बना दूंगा। इस खरवे का नाम था जी अहमद गैमो, ये था हमारा गैमो, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब हम चलाएंगे 14 ग्रेन का स्लग, ये आप देख सकते हो ये एयरगन स्लग है, ये पैलेट नहीं है, ये स्लग कहा जाता है, ये 14 ग्रेन का है। हाई स्प्लिट, ये भी जी स्मिथ का हाई, ये है, ये हॉलो पॉइंट पैलेट होता है, ये आप देख सकते हो, ये चलाएंगे आप अपन। कितना 640 फीट पर सेकेंड। इसमें दो मेटल्स हैं, इसमें मेरे ख्याल से ब्रास की टिप है जो बहुत पॉइंटेड है ये मुझे, और नीचे लेड का छर्रा है। तो ये जो हॉर्नेट है ये मेरे ख्याल से आर पार हो जाना चाहिए, ये मेड इन जर्मनी है। ये मैंने इस गन में अभी तक नहीं चलाया है, पर ये मैं अपनी दूसरी जो प्रेक्यूल वगैरह है इसमें चला चुका हूँ। तो ये है 704 फीट पर सेकेंड, और ये आर पार हो जाना चाहिए। इसने एक छेद किया है पर आर पार ये भी नहीं हुआ है, ये वाला है, ये भी गया। अगले का नाम है रॉकेट डिस्ट्रॉयर, ये एक परफॉर्मेंस पैलेट है, इस पर एक कौआ बनाता है, ये गैमो के छर्रों पे कौआ बना, मतलब ये हंटिंग उसके होते हैं। ये भी डुअल मेटल है, इसके ऊपर एक कॉपर की टिप वाली है, छोटी वी भी लगी है इसमें, और अंदर फिर ये लेड का छर्रा है। अगला हम ये चलाएंगे, तो ये रखा हुआ है चलाने के लिए, इसको लोड कर लेते हैं। तो 726 फीट पर सेकेंड, हमारा रॉकेट डिस्ट्रॉयर कहाँ गया, हमारा रॉकेट डिस्ट्रॉयर यहाँ से छेद करते हुए पीछे चला गया, ये यहाँ पे पड़ा है रॉकेट डिस्ट्रॉयर, ये जो आपको डबल छेद देख रहे हैं ये पड़ा है यहाँ पे, ये पड़ा है रॉकेट डिस्ट्रॉयर और निकल गया है इसमें से पीछे। तो अभी तक हमारा सिर्फ एक छर्रा रहा है, ये वाला, ये रॉकेट डिस्ट्रॉयर यहाँ पे जो आर पार गया है 726 फीट पर सेकंड की तेजी से। अब हम चलाएंगे HNN हॉर्नेट का भाई HNN स्पोर्ट, ये सिंगल मेटल में है, ये डबल मेटल का था उसी का, ये सिंगल मेटल है, इसकी सिर्फ टिप पॉइंटेड है, ये भी जर्मन पैलेट है HNN स्पोर्ट। इसके ऊपर कुछ स्टैट्स लिखे हैं कि डिस्टेंस में 5 में से 3 दिया है, प्रिसिशन में 5 में से 4 दिया है, 16 जूल्स एनर्जी डिलीवर करता है, 500 पीस आते हैं, 8.64 ग्रेन। इसको चलाते हैं, ये एक फील्ड लाइन पैलेट है 8.2 ग्रेन। चलिए ये भी एक जर्मन पैलेट है, इसे हम फायर करके देखते हैं।
751 फीट पर सेकेंड, और ना ही कभी सुना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीबी नहीं है, ये राउंड लेड पेलेट है। और ये क्यों होता है, ये ट्रेनिंग कैटेगरी में आता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें चलाना सिखा रहे हो, तो हो सकता है कि वो पेलेट उल्टा डाल दें, क्योंकि पेलेट एक डायरेक्शनल प्रोजेक्टाइल होता है। क्योंकि ये राउंड होती है, इस पर सोडा कैन बनाए, ये सोडा कैन गैमो के जो पेलेट्स होते हैं उसमें प्लिंकिंग के ऊपर आता है। और कैटेगरी फन ट्रेनिंग इस तरीके से है बच्चों के लिए कि उल्टा सीधा ना डाल दें। तो हम एक ये भी चला के देखेंगे, ये होती है 8.17 ग्रेन। और मैं आपको बता दूं कि ये बीबी नहीं है, ये एक लेड पेलेट ही है। बीबी मेरे ख्याल से ये पड़ी है इस जगह पे, यहाँ कोई निशान नहीं था, इसने पेंट को भी हिला दिया यहाँ से। ये जगह पे बीबी पड़ी है, इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे बीबी पड़ी है। इसके ऊपर हमने पहले पेंट बड़ा लगाया था, तो ये पपड़ियाँ गिरा दी बीबी ने और यहाँ पड़ी है। ये अमेरिकन पैलेट्स हैं, GSB प्रेडिटर पॉलीमैग। इस पर लिखा है प्रीमियम हंटिंग पैलेट्स, एंड लिखा है कि यू डोंट प्ले विद दीज 8 ग्रेन। काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। सुपीरियर एक्यूरेसी एंड टेक डाउन पंच, प्रूविन द बेस्ट हंटिंग पैलेट। तो काफ़ी महंगे आते हैं, अभी तक ये भी नहीं चला के देखे थे। इन्हीं का भाई जो है हमारे पास, ये बगल में भी है, इसका नाम रेड फायर है, इस पर बाद में आएंगे। एक गैमो का है और एक प्रेडिटर पॉलीमैग है, तो इसमें एक प्रेडिटर पॉलीमैग डाल लेते हैं। ये हमने इसमें लोड कर लिया, फायर एनर्जी। ये वैसे ही है जैसे रॉकेट डिस्ट्रॉयर था, सेम उसी टाइप के पॉलीमर टिप विद लेड का बेस। जैसा जैसे आप देख रहे हो कि हम भारी से हल्के की तरफ जा रहे हैं, हमारे फीट पर सेकेंड बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पड़ा है ये वाला, और ये आप देख सकते हो कि ये पहला पैलेट है जो पेनिट्रेट नहीं करा, पर ये अंदर ही धस गया है। इसको पीछे की चादर जो है दरवाजे की, शीट मेटल और गाड़ी के पेंट के बीच में फंसा हुआ है, ये देख सकते हो आप। इसको मैं फोड़ के निकालूंगा, देखो एक मिनट रुकना। ये देख सकते हो आप कि ये हमारा, इसकी पॉलीमर टिप गिर गई है और इसका सिर्फ लेड का बेस बचा है। करेगा, इसके डब्बे पे लिखा हुआ है एक्सपेंडर। तो ये एक्सपेंशन कैटेगरी के पैलेट होते हैं, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं एयर के फ्रिक्शन से। तो इसकी टिप मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक्सपेंडर पैलेट कैसा होता है। ये कुछ कुछ वैसे ही अपने भाई जो था ग्रेन के हिसाब से, वैसे ही ये पेंट एनर्जी डिलीवर करके ये थक जाते हैं, तो इनको पेंट पीछे से रोक लेता है। ये हमारा ऐसा निकला है यहाँ से, क्या नाम था इसका, एक्सपेंडर, हॉलो पॉइंट एक्सपेंडर। ये वैसे ही वॉल्ट कटर होता है। इसकी स्कर्ट में आप देख सकते हो कि छोटी छोटी धारियाँ बनी है यहाँ पे। ये है गैमो का मैच डियाब्लो 7.71 ग्रेन। ये वॉड कटर जो होते हैं, ये ऐसे पेपर टारगेट, ये जो इसके ढक्कन पे बनाए, इनमें परफेक्ट राउंड स्क्वायर काटने के लिए, सर्कल काटने के लिए होते हैं। मेरे पे मत मारना, इतना अभी तक सारे दरवाजे पे पड़ रहे हैं, मेरे पे मारेगा। इसे पर चला के देख लेते हैं, ये हम चलाने वाले हैं गैमो का पिस्टल पैलेट। ये एक प्लिंकिंग पैलेट है, इसमें सोडा कैन और एक पिस्टल बनी है, इसका नाम है पिस्टल प्रो प्लिंकिंग। ये 6.9 ग्रेन का पैलेट है, ये 7 था, ये 6.9 है। ये डोम्ड पैलेट है, इसकी मुंडी जो होती है वो गोल होती है, पिस्टल प्रो। एक है 38% मोर एक्यूरेसी वाला गैमो लीथल, ये भी रॉकेट डिस्ट्रॉयर, जो अभी अकेला पैलेट है जो दरवाजे के आर पार गया था, इसी के जैसा है। इसके ऊपर राउंड कॉपर टिप थी, इसके ऊपर काइंड ऑफ राउंड बट बिगर राउंड कॉपर स्ट्रिप है, और ये भी लेड फ्री पैलेट है। ये आप देख सकते हो लेड फ्री गैमो, विच इज़ स्पैनिश। सेवन सिक्सटी सॉरी 871 फीट पर सेकेंड, और ये दरवाजे के आर पार गया है ऐसा मैं कह सकता हूँ।
और ये गया है दरवाजे के आर पार। जैसे कि आप देख सकते हैं दरवाजे में छेद है। मैं आपको अपना ब्रश डाल के बता देता हूँ, ये एक मिनट थोड़ा सा हटना, ये देखो आप मेरा ब्रश फंस गया दरवाजे में। पूरा प्लास्टिक प्लेट है, इसका नाम है PVA प्लेटिनम। ये पूरा लेड फ्री प्लास्टिक प्लेट है। आई डोंट थिंक सो कि ये आर पार जाएगा। ये परफॉर्मेंस प्लेट है, बेसिकली वेलोसिटी बहुत अच्छी है इसकी। वेलोसिटी का पूरा खेल में हम देख लेते हैं। हमारे क्रोनोग्राफ पे सबसे अच्छी पीछे क्रोनोग्राफ है, 973 फीट पर सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1000 FPS के नीचे वाली गन है, तो कोई भी सर्रा इसमें 1000 FPS से नहीं ऊपर नहीं गया, और 20 जूल से ज़्यादा एनर्जी भी डिलीवर नहीं करती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पड़ा है, बट इस ये भी दरवाजे में छेद नहीं कर पाया है। पूरे सीरीज में सिर्फ दरवाजे के आसपास आर पार दो छर्रे गए हैं। मोर एक्यूरेसी लेड फ्री मेड इन स्पेन, और दूसरा गया है हमारा गैमो का रॉकेट डिस्ट्रॉयर। इसका छेद थोड़ा सा छोटा था, दोनों दरवाजे के आर पार गए। बाकी पूरी बारात में एक भी छर्रा ऐसा नहीं था जो दरवाजे के आर पार गया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे श्री त्रिपाठी। ये सारे वो लेड के पैलेट्स हैं। लेड बहुत भारी मेटल होता है, और जो हमारे दरवाजे में छेद कर पा रहे हैं ये गैमो, इसके अंदर ऐसी ये कॉपर की कील टाइप की होती है। कॉपर के पीछे जो बेस है, ये दिखाना एक मिनट, बेस ये पॉलीमर मतलब प्लास्टिक टाइप का है, ये बहुत हल्का है, ये आप देखो। तो ये जो हमारे छेद कर रहे हैं ये टिप हल्की है, तो क्योंकि इसका वेट कम है, इसको वापस रख देता हूँ, तो ये चीज़ पेनिट्रेट कर रही है गाड़ी के दरवाजे को। बाकी ये जो लेड वाले हैं ये कोई नहीं कर रहे। तो अब आप इसका साइंस समझ गए होगे, कार डोर वर्सेस एयरगन। ये है वो रॉकेट डिस्ट्रॉयर गैमो लीथल। देखते रहिएगा श्री त्रिपाठी। कांटे घुस गए श्री त्रिपाठी। बस भी कर दी।